जे मुद्दा कोई भी होवे, मौका कोई भी होवे, सियासत हर थां उत्ते हुंदी होई नजर आ रही है। बेशक चोणां लंघ चुकियां ने पंजाब च, पर सियासत एसओएल दे मुद्दे ते इस समय भी हुंदी नजर आ रही है। पर एसओएल दे मुद्दे ते दोहां सूबियां विचाले वधी तलखी तो बाद मुड़ तो हलचल वधी होई नजर आती है। पंजाब दी हरियाणा दे नाल लगदी सरहद ते सुरक्षा पुख्ता की गई है पंजाब सरकार दे वल्लों। एसवाईएल नहर को लेकर जारी सियासत के बीच अब 23 तारीख को लेकर प्रशासन ने बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेड्स जो हैं वो यहां पर आने शुरू हो गए हैं। ये शंभू बॉर्डर है जहां से आगे हरियाणा की सरहद शुरू होती है और ये पंजाब में इस वक्त हम खड़े हैं और पंजाब की तरफ से पूरे जो इंतजाम है सुरक्षा के वो करने शुरू कर दिए गए हैं। इनेलो वालों एसवाईएल की खुदाई करने के ऐलान तो बाद जिथे सियासत सिखरां ते है तो सुरक्षा एजेंसियों की फिक्र भी वध गई है। पंजाब हरियाणा नूं जोड़न वाले शंभू बॉर्डर ते पुलिस की सुरक्षा वधा दी गई है। पुलिस वालों खास नाकेबंदी कर बैरीकेडिंग की जा रही है। इसके नाल ही रैपिड रिस्पोंस टीमां लगाईआं गईआं ने ताकि किसी भी तरह के हालात बेकाबू होण तों रोके जा सकण। उधर पुलिस मुताबक उन्हां वालों पुख्ता प्रबंध किए गए ने ते किसी नूं भी कानून हाथ दी इजाजत नहीं दित्ती जाएगी। खुली अलर्ट है जी, अगर हरियाणा के लोग कोई भी शरारत करेंगे तो जो लॉ के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 वो भी है इशू डीसी साहब की ओर से जी, वो 144 के ऑर्डर हो चुके हैं। पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते किसी भी मजमा खिलाफ एक मन के नहीं हो सकते। इस सब के विचाले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम कपूरी पिंड भी पहुंची जिथों की पंजाब ते हरियाणा नूं एसवाईएल छोड़दी। इत्थे किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं देखण नूं मिली। इस वक्त हम खड़े हैं ठीक पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जहाँ पे एसवाईएल जो है वो दो भागों में आपको बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं ये है हरियाणा की तरफ का जहाँ पे बैरिकेड्स लगाकर बाकायदा पानी जो है इसमें एक अच्छा खासा पानी है और इसी नहर को पहले जब पंजाब में चुनाव थे तो वहाँ की सरकारों ने वहाँ की पार्टियों ने इसको खूब भुनाया। अब हरियाणा में INLD और जो विपक्षी दल हैं वो इसको भुना रहे हैं और दूसरी ठीक बैरिकेड की दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते हैं वो पंजाब का एरिया आ जाता है। यानी कि यहाँ से ये नहर जो है दो भागों में बटी हुई है और उसके ठीक मेरे साथ ही इस दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो नरवाना ब्रांच की जो नहर है वो है और वो पानी भी जो है वो भाखड़ा डैम से आता है और यहीं से थोड़ी आगे जाकर कुछ एक किलोमीटर आगे जाकर इसी नहर का पानी जो है वो एसवाईएल नहर में डाल दिया जाता है। कम ही सही लेकिन पानी जो है वो एसवाईएल में जा रहा है। यानी कि INLD जो है वो बात कर रहा है कि 23 तारीख को वो जो नहर बंद है उसकी खुदाई करेंगे लेकिन यहाँ पर नहर जो है आप देख सकते हैं पूरी तरह से पहले से ही खुदी हुई। पंजाब हरियाणा विचाले चार दहाकियां तो भखिया मुद्दा पंजाब चोणां दे खत्म होने तो बाद हुण हरियाणा दे सियासी गलियारियां च गूंज रहा है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, शंभू बॉर्डर।